महुआ मोइत्रा, दानिश अली और अन्य विपक्षी सांसद भड़कते हुए गुरुवार दोपहर 3:30 बजे एथिक्स कमेटी के दफ्तर से बाहर निकले। जब इनसे इनके गुस्से का कारण पूछा गया तो दानिश अली बोले, चेयरमैन महुआ से पूछ रहे हैं कि वो रात में किससे बात करती है, क्या बात करती है, ये कैसी एथिक्स कमेटी है जो इस तरह के अश्लील सवाल पूछ रही है। बता दें, संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नए आरोप लगाए हैं। महुआ गुरुवार 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। उन्होंने कमेटी के चेयरपर्सन विनोद सोनकर के लिए कहा कि उन्होंने शब्दों से मेरा वस्त्र हरण किया। चेयरपर्सन ने जान पूछ कर अपमानजनक सवाल किए। ये सब उन्होंने एथिक्स कमेटी के सभी मेंबर्स के सामने किया और मुझे सबके सामने जलील करने की कोशिश की, जिसे लेकर बाद में महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को एक लेटर लिखा, जिसमें महुआ ने लिखा कि चेयरपर्सन विनोद सोनकर का बर्ताव अनैतिक था और घिनौनेपन से भरा था। आगे महुआ ने कहा कि मैंने बार बार प्रश्नों को लेकर विरोध जताया, ये कार्रवाई के रिकॉर्ड में दर्ज है। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष ने मुझसे मुद्दे से संबंधित सवाल, जैसे पोर्टल के लॉगिन और पासवर्ड, गिफ्ट लेने के आरोप, इन सबसे संबंधित मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया। एक महिला के रूप में मेरी गरिमा को तार तार करने वाले व्यक्तिगत सवाल मुझसे पूछे गए, जो बिल्कुल गलत है। महुआ ने कहा, समिति को एथिक्स कमेटी के बजाय कोई अन्य नाम देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नैतिकता नहीं बची है। वही इससे पहले खबर आई थी कि महुआ ने एथिक्स कमेटी के सामने खुद को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा कि वकील जय अनंत देहाद्राही से निजी रिश्तों में खटास के कारण ये विवाद खड़ा हुआ है। महुआ के मामले में गृह, आईटी और विदेश मंत्रालय ने एथिक्स कमेटी को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी मिनिस्ट्री ने कमेटी को बताया कि महुआ की आईडी से दुबई से कम 47 बार लॉगिन किया गया। कमेटी ने 26 अक्टूबर को हुई बैठक के बाद तीनों मंत्रालयों से जानकारी मांगी थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्रोही को क्रॉस एग्जामिन करने की मांग की। बता दें, महुआ मोइत्रा ने 31 अक्टूबर को लोकसभा की एथिक्स कमेटी को लेटर लिखा, जिसमें टीएमसी सांसद ने कहा, हीरानंदानी और देहाद्राही ने जो मेरे खिलाफ आरोप लगाए हैं उनका सबूत नहीं दिया है, इसीलिए मैं दोनों को क्रॉस एग्जामिन करवाकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। महुआ के खिलाफ कैश फॉर क्वायरी मामले में शिकायत दर्ज कराने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राही ने कहा कि अभी मामला कोर्ट में है, इसीलिए अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकूंगा, लेकिन बाद में मैं सच्चाई सबके सामने निश्चित रूप से रखूंगा। उन्होंने कहा कि मैं किसी के भी बारे में कमेंट नहीं कर सकता, ये एक आज़ाद देश है, यहाँ हर व्यक्ति जो चाहे वो कह सकता है, जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन आप जो भी कहते हैं उसका अंजाम आपको बाद में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।